बहस भाई में जो अपने ऊपर विश्वास के लेता है, मैं उसको ये नहीं है कि कुछ भी दिलवा दिया, डेडर की दिलवा दे जी, चौई अच्छी नहीं है वो दिलवा दे, जी पट्टी है वो दिलवा दे जी, इस टाइप की बहस मैं दिलवाना पसंद नहीं करता जी, जी जी जी। कोई बोल देता है 70 की 80 की लाख की, 5 की 10 की 20 की बहस, तो हम 2.5 की भी खरीदते हैं, 5 की भी खरीदते हैं, 4 की भी खरीदते हैं, क्योंकि अच्छी चीज की आशिक है, पैशन हमारा अच्छी चीज लेना। बिल्कुल बिल्कुल। लोग कहते हैं कि 20 लीटर दूध नहीं निकलता, यूट्यूब वाले झूठ बोलते हैं, ये बोलते हैं, लेकिन भैया हम, मैं खुद अपनी आंखों से देखा हूँ, पैसा लगाया हूँ और 20 लीटर का भैंस लिया हूँ। महंगा तो एक बार इंसान हार्ट टाइट करके लेके अच्छी चीज को लेके परख के ले जाए, कोई दिक्कत नहीं है जी, जी। वही बात किसी ने बोली है कि सस्ता लेके रोए बार बार, महंगा ले एक बार। करेक्ट। तो इनकम से जब मैं भैंस लिया हूँ हाँ, तो मेरा अनुभव जो है हाँ, वो बहुत अच्छा है जी। ये भैंस गांव में जाके दिलाते हैं, ठीक है, अच्छे दिलाते हैं, हमारे सामने सौदा करते हैं, कोई पीठ पीछे बात नहीं करते, एकदम साफ सुथरा पशुधन दिखाते हैं, है। जो पशुधन दिखाते हैं हाँ, उसका क्वालिटी अलग रहता है, उसका क्वालिटी अलग। लोग बोलते हैं कि रेट ज्यादा है, अरे रेट ज्यादा है, क्वालिटी लेगा तो रेट भी मिलेगा। बिल्कुल जी। कुछ बोलते हैं जितना वो बोलते हैं उतना हमारा काम बढ़ता है। बिल्कुल। बहुत सारे लोग बोलते हैं जिनको क्वालिटी का नहीं पता जी, जी, जी। आपको भी पता होगा एक प्रोवर्ब है, ठीक है, बर्किंग डॉग्स आर सेल्डम बाइट। जी जी करेक्ट। भोंकने वाले कुत्ते काटते नहीं, काटते नहीं, वो सिर्फ बोल सकते हैं। जिसको क्वालिटी की नॉलेज है, क्वालिटी का पता है, बिल्कुल वो क्वालिटी खरीदेगा। बिल्कुल। और जिन भाइयों ने ली हुई है हाँ, वो पहले से फार्म रन कर रहे हैं जी, ठीक है, और जो पहले से फार्म रन कर रहे हैं उसको पता है भाई रेट क्या होता है। बिल्कुल। पहले भी यहाँ से हरियाणा से पहले भी ले जा चुके हैं 2-4-5 लोड जी, और वहाँ से भी खरीदते बेचते रहते हैं, ठीक है, तो वो पागल नहीं है कि यहाँ भाई वो 2 लाख रुपए लगा रहे हैं या 2.5 लाख लगा रहे हैं या 1.5 लाख रुपए लगा रहे हैं। उनको हर चीज की नॉलेज है, पीठ पुट्ठा क्या होता है, हाँ, हाँ, स्पेसिंग क्या होती है, मिल्किंग क्या होती है, बिल्कुल, बिल्कुल। हर चीज मिल्किंग के ऊपर मैटर नहीं करती जी, जी, हो सकता है 20 लीटर वाली 10 लाख रुपए की चोटी मिल जाए जी, ठीक जी, है, और 20 लीटर वाली मिलने को जंगल में मंगल है भाई 1.5 लाख की, 1.5 लाख की भी मिल जाए। सही बात है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप और एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विराज डेयरी एंड फार्मिंग में। आशा करता हूं आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, सुरक्षित होंगे। वीडियो को आगे शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूंगा, जो भी पशुपालक भाई और युवा साथी हमारे चैनल को पहली बार देख पा रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी नई वीडियो हमारे चैनल पर आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सब पशुपालक भाइयों को मिल सके। तो आज की जो वीडियो है आप सब पशुपालक भाइयों के सामने, जिला जींद से, और जिला जींद से जब जब जिला जींद का नाम आया, मुर्रा पशुधन के एक ही लोकप्रिय चेहरे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं, रणदीप सर आप यहाँ पे देख सकते हैं। और रणदीप मलिक सर के डेयरी फार्म पे आया हूँ, जिन्होंने न सिर्फ हरियाणा प्रदेश, न सिर्फ राजस्थान, यूपी, MP, बल्कि आंध्रा तक अच्छी और उम्दा नस्ल का जो मुर्रा पशुधन दे करके हमारे जो हरियाणा प्रदेश की शोभा बढ़ाई है, उसके लिए मैं सर को इनका बार बार मैं तहदिल से इनका धन्यवाद करता हूं। और आज एक लोट इनका दूसरे राज्य में जा रहा है, तो एक वीडियो कवरेज करने का मौका मिला, महाराष्ट्र में इनका पशुधन जा रहा है यहां से, तो मैं मिलवाना चाहूंगा आपको रणदीप मलिक सर से और जानेंगे डिटेल्स। तो नमस्कार रणदीप सर, कैसे हो सर आप? बहुत बढ़िया।
तो क्या कुछ डिटेल्स हैं, कितने पशुधन हैं, कहाँ जाएंगे आज भाई? जो ये जा रहा है, ये लोड जा रहा है पुणे में। पुणे में ठीक है जी। तो कितने पशुधन जाएंगे आज? ये 9 भैंसे जाएंगी। 9 भैंसे जाएंगी। ये जाएंगी उस्नामाबाद। उस्नामाबाद हाँ जी भाई ठीक है। तो एक एक पशुधन की डिटेल्स है सर के डेयरी फार्म पे? काफी जो संख्या है उसमें पशुधन अवेलेबल रहता है, सेल परचेज का काम है, और अच्छी और बेहतरीन किस्म का जो पशुधन है वो हमारे पशुपालक भाइयों को प्रोवाइड कराते हैं। उदाहरण के तौर पे मैं दिखाना चाहूँगा, ये आप देख सकते हैं भारी भरकम शरीर का जो पशुधन है, साथ में जो अडर है, अडर आप देख सकते हैं एक HF गाय की तरह किसी किसी पशुधन में देखने को मिलेगा। तो जो इनका सिलेक्शन है उसमें बिल्कुल दो राय नहीं है कि जो सिलेक्शन है वो बेहतरीन और उम्दा किस्म का सिलेक्शन, और जो फील्ड है उससे घूम घूम करके जो पशु देख करके जो छांट करके लाते हैं। तो सर सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि अच्छा और उम्दा किस्म का पशुधन न सिर्फ हमारे हरियाणा प्रदेश के पशुपालकों को बल्कि जो बाहर के पशुपालक हैं उनको उपलब्ध कराते हो। तो क्या कुछ डिटेल्स हैं, शुरू करेंगे यहाँ से बताएं। सेकंड टाइमर ठीक है, आज की रेट में 20+ दूध तैयार है। 20+ दूध तैयार है। सेकंड लैक्टेशन का पशुधन है, मौके पे 20+ दूध तैयार बता रहे हैं। कितने दिन का व्याया हुआ है ये? 15 दिन के अप्रोक्सीमेट। लगभग 15 दिन का जो पशुधन है वो ब्याया हुआ है। नीचे फीमेल काफ या मेल काफ? मेल काफ। मेले से नहीं लगी है। अच्छा, मेले से भी नहीं लगी है। 24-25 किलो से भी ऊपर की है, प्लस की है, कम की नहीं है। जी जी। और आगे बात आ जाती है फीडिंग के ऊपर। ठीक है, कैसे फीडिंग करते हैं? हाँ पोटिट्स की स्पेसिंग है वो बिल्कुल बढ़िया है, जो ये पुट्टा है किसी किसी भैंस का मिलेगा। जी जी जी। पशुधन को शुरुआत अगर फेस वैल्यू से अगर मैं कवर करके दिखाना चाहूँ, ये आप देख सकते हैं स्वभाव, किसी तरह का कोई हेजिटेशन नहीं है। सिंगों की क्वालिटी आप यहाँ पे देख सकते हैं। हाइट लेंथ पीट पुट्ठे की अगर मैं बात करूँ तो ये हाइट लेंथ पीट पुट्ठा आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी खासी लाइट हाइट है। कद काठी काफ़ी शानदार यहाँ पे। और जो अडर की क्वालिटी है मैं थोड़ा नज़दीक से कवर करके पशुपालक भाइयों को दिखाना चाहूँगा, ये अडर आप देख सकते हैं काफ़ी बेहतरीन अडर यहाँ पे HF गाय की तरह। और जो टीट स्पेसिंग है काफी शानदार टीट स्पेसिंग जेट ब्लैक टेल के साथ। ये तो मिलती नहीं भाई। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। एक बार पशुधन को खोल के जो इसका व्यक्तित्व है वो मैं जरूर पशुपालक भाइयों को दिखाना चाहूंगा, ताकि एक प्रयास मेरा शुरू से रहता है कि छोटी से छोटी वीडियो में ज्यादा से ज्यादा जानकारी हमारे पशुपालक भाइयों को मिल सके। ये आप देख सकते हैं काफी शानदार लेवटी है, अच्छा खासा अर्डर यहाँ पे देखने को मिला, और 20+ दूध मौके पे तैयार बता रहे हैं। तो एक ये पशुधन है, और इसके अलावा और काफी सारी बफलोज हैं, एक और है सर, इसकी क्या कुछ डिटेल्स हैं वो बताएं। संदीप भाई ये सेकंड टाइमर है। सेकंड टाइमर ठीक है, दांतों में 6 ठीक है। मेरे हिसाब से 14-15 किलो दूध तैयार है। 14 से 15 किलो दूध तैयार है। इसका बच्चा कल ही मर गया था। अच्छा हाँ, और ये मेरे हिसाब से 1 हफ्ते के आसपास की ब्याई होगी। 1 हफ्ते के आसपास की। देखिये नॉर्मल दूध दे देगी 17-18 किलो। ठीक है, सेकेंड लैक्टेशन का पशुधन है, और 17 से 18 किलो जो मिल्क कैपेसिटी है वो बता रहे हैं। बच्चा सर बता रहे हैं कल ही एक्सपायर हो गया। हाइट लेंथ पीट पुट्ठा शान शकल की काफ़ी सुंदर आप यहां पे देख सकते हैं, जो सींग हैं छोटे से छोटे, किसी तरह का कोई मॉडिफिकेशन नहीं है, तराशा नहीं गया। और अगर पशुधन का व्यक्तित्व मैं दिखाना चाहूँ तो ये आप देख सकते हैं, अच्छी खासी लेवटी शानदार टीट स्पेसिंग के साथ में। और तो अभी सर 14 से 15 लीटर दूध बिल्कुल भाई है मौके पे तैयार। ठीक है, तो ऐसा है संदीप भाई जी, वैसे तो और भी हो सकता है 14-15 किलो की मिल जाए बिल्कुल, लेकिन जो अपनी क्वालिटी होगी ना जी जी ग्राहक को दिलवाने की, मेरे पास वही कस्टमर आता है जो अपना मतलब ये मान के चलो भगत है बिल्कुल ठीक है, और जो मतलब सिर्फ क्वालिटी को जानता है, क्वालिटी को परखता है जी ठीक है। अब बोलने को बोल देते हैं, 70 वाले भी बोल देते हैं, 60 वाले भी बोल देते हैं, कोई ये भी बोल के बुला लेता है कस्टमर को कि हाँ भाई आ जा 1.25 लाख में 20 किलो दूध वाली भैंस मिल जाएगी बिल्कुल ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता, हो सकता है बाई चांस निकल जाए जी जी, लेकिन दूध तैयारी की नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी सभी दूध तैयारी की, इसमें अप्रोक्सीमेटली दूध तैयारी जी, ये भैंस 20+ दूध तैयार जी ठीक है, इसमें 14-15 किलो है, बहुत अच्छी पावर की बहुत बढ़िया जोटी है। तो ये सारी भैंसे सर महाराष्ट्र जा रही है? हाँ जी सारी महाराष्ट्र जा रही है जी, ये जा रही है राहुल भाई के पास, राहुल भाई के पास ठीक है। और उस्मानाबाद महाराष्ट्र का जो लोट है वो सर ने तैयार किया है, वो पैसे जा रही है जी। और एक पशुधन और, तो रणदीप सर इसकी क्या कुछ डिटेल्स रहेंगी? ये भाई हमने गांव से लिए ठीक है, ये दोनों मेरे फार्म पे जी, गांव से लिए जी, हमने इसकी
दो टाइम मिलती थी है, ठीक है, 19 लीटर दूध इसमें आज एट प्रेजेंट तैयार है जी भाई, और आज ही थोड़ी सी मेले से लगी हुई है जी। देखिए सेकेंड लैक्टेशन का पशुधन है, 19 लीटर दूध मौके पे तैयार बता रहे हैं, नीचे फीमेल काफ और आज ही मैले से लगी। एक बार रोक के रखें मैं थोड़ा सा, एक बार जो वेन्स हैं अडर के नीचे मैं पशुपालक भाइयों को थोड़ी दिखाना चाहूंगा। ये आप देख सकते हैं जो नसों का जाल है काफी शानदार यहाँ पे, और अच्छी खासी हाइट लेंथ भारी भरकम शरीर है, ये आप देख सकते हैं जो अडर की क्वालिटी है मैं अपने पशुपालक भाइयों को दिखा रहा हूँ जी जी। 500 गांव में मिलते बिल्कुल से भी। और जी भाई बोल देते हैं रेट के लिए भी बोल देते हैं, ठीक है जी, रेट के लिए कुछ बोलते हैं, जितना वो बोलते हैं उतना हमारा काम बढ़ता है बिल्कुल। बहुत सारे लोग बोलते हैं जिनको क्वालिटी का नहीं पता जी जी जी, आपको भी पता होगा एक प्रोवर्ब है ठीक है, बर्किंग डॉग्स आर सेल्डम बाइट जी जी करेक्ट, भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं, काटते नहीं, वो सिर्फ बोल सकते हैं, बोलते हैं जिसको क्वालिटी की नॉलेज है, क्वालिटी का पता है बिल्कुल, वो क्वालिटी खरीदेगा बिल्कुल। वो जिन भाइयों ने ली हुई है वो पहले से फार्म रन कर रहे हैं जी ठीक है, और जो पहले से फार्म रन कर रहे हैं उसको पता है भाई रेट क्या होता है बिल्कुल, पहले भी यहाँ से हरियाणा से पहले भी ले जा चुके हैं 2-4-5 लोड जी, और वहाँ से भी खरीदते बेचते रहते हैं ठीक है, तो वो पागल नहीं है कि यहाँ भाई वो 2 लाख रुपए लगा रहे हैं या 2.5 लाख लगा रहे हैं या 1.5 लाख रुपए लगा रहे हैं, उनको हर चीज की नॉलेज है, पीट पीठा क्या होता है, स्पेसिंग क्या होती है, मिल्किंग क्या होती है बिल्कुल बिल्कुल, हर चीज मिल्किंग के ऊपर मैटर नहीं करती जी जी। हो सकता है 20 लीटर वाली 10 लाख रुपए की चोटी मिल जाए जी ठीक है, और 20 लीटर वाली मिलने को जंगल में मंगल है भाई 1.5 लाख की, 1.5 लाख की भी मिल जाए सही बात है, लेकिन क्वालिटी तो ये आप देख सकते हैं क्वालिटी मैटर करती है बिल्कुल सही बात है। यहाँ से एक बार थोड़ा सा ध्यान लगाएं जी, यहाँ से देखिए जो सिलेक्शन है रणदीप मलिक सर का मैं दिखाना चाहूंगा, ये आप देख सकते हैं जो अडर है कोई भी अच्छा खासा अडर है, टिप स्पेसिंग शानदार, अगर होता बिल्कुल बिल्कुल, और अडल्ट का टेढ़ापन होता जी तो इसी की कीमत 50-60-70 हजार पे डाउन हो जाए बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी अडल्ट में टेढ़ापन जी, तो जो सिलेक्शन है एकदम परफेक्ट सिलेक्शन मैं इसको कहूंगा, और मुर्रा पशुधन में डिस्ट्रिक्ट जीन से किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं है, क्योंकि काफी टाइम से काम करते आ रहे हैं मुर्रा पशुधन में, डेयरी फार्मिंग में अच्छा खासा अनुभव है, जो सिलेक्शन है वो काफी शानदार। तो इसकी क्या कुछ डिटेल्स है सर? ये थर्ड टाइमर है भाई, थर्ड टाइमर ठीक है, फीमेल काफ है ठीक है, आज ये 6 दिन की बेई हो गई, 6 दिन की बेई हाँ, ठीक है, और 17 किलो दूध तैयारी का इसमें, 17 किलो हाँ, ठीक है, दूध नॉर्मल देगी, ये भाई है जी, इनका बाद में जब इनके फार्म के मतलब फार्म पर ये बहस नहीं जाएंगी जी, 1 महीने के अंदर इनकी वीडियो वहाँ से कवर करवाएंगे जी 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 ठीक है बिल्कुल, फिर हम आपके चैनल पे डालेंगे ठीक है, कितना दूध दे रही है क्या दे रही है नहीं दे रही जी। मेरे हिसाब से अप्रोक्सीमेटली ये जो बहस आ रही है जी, बहस जा रही है 6-7 बहस तो ऐसी है जो 20+ की है बिल्कुल बिल्कुल, और इनमें 2-3 बहस ऐसी है जो 22 से 24 किलो 25 किलो ठीक है। तो देखिए थर्ड लैक्टेशन का पशुधन है और 17 लीटर दूध मौके पे तैयार बता रहे हैं, 6 से 7 दिन का व्यायाम हुआ है, और नीचे फीमेल काफ सर ने बताई, और पशुधन का जो व्यक्तित्व है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अच्छी खासी हाइट लेंथ, चेहरे मोरे की सुंदरता और पीठ पुट्ठा आप देख सकते हैं, बाकी अडर अगर मैं दिखाना चाहूँ ये आप देख सकते हैं, एक और भारी भरकम लेवटी का पशुधन है। तो जो टिट स्पेसिंग है एक बार थोड़ा सा रोक के रखें, मैं इसका स्वभाव वगैरह एक बार जरूर पशुपालक भाइयों को दिखाना चाहूँगा, ये आप देख सकते हैं नीचे से जो अडर है, अडर आप देख सकते हैं जो वेन्स हैं साफ साफ इशारा कर रही हैं कि ये एक दुधारू मुर्रा पशुधन के सिम्टम्स इसमें साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। तो 17 लीटर दूध तैयार है, ये भी जा रहा है महाराष्ट्र में, कम देगी तो 22-23 किलो दूध देगी जी जी जी। और एक पशुधन और है सर, इसकी क्या कुछ डिटेल्स हैं? ये भाई सेकंड टाइमर है, सेकंड टाइमर ठीक है ठीक है हाँ, और इसकी ये मान के चलो हल्की सी पूछ छोटी है जी जी, इस हल्की सी पूछ छोटी होने के कारण हमारे को कम से कम 1 लाख रुपए सस्ती मिली है। अच्छा ठीक है ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें और बारीकियां होती हैं, जो बिल्कुल हैं, जो जानकार हैं, जो जानने वाले जी वही जान सकते हैं बिल्कुल, अदरवाइज के बस की बात नहीं है जी हाँ। इसका चेहरा देखो जी, सेकंड लैक्टेशन का पशुधन है, -0.1 ही के जो टेल है वो छोटी है बाई बर्थ, और इसी वजह से जो सर बता रहे हैं 1 लाख के करीबन पशुधन जो है सस्ता मिला है, बाकी हाइट लेंथ पीठ पुट्ठा अडर की क्वालिटी आप यहां पे देख सकते हैं, ले आए कोई बात नहीं बाहर ले आए आराम से बच्चे के लिए, और बिल्कुल आई है बैसे। जी अभी 3 बैसे। तो सर दूध वगैरह क्या कुछ है इसके नीचे? इसके नीचे भाई जी 12-13 किलो दूध तैयार है, 12 चिक से खाली होती में ठीक है, जिसको हम
हरियाणवी भाषा में खीस बोलते हैं, बोला ठीक है जी, पंजाब में बोला बोलते हैं जी जी जी, और इसको महाराष्ट्र में चिक बोलते हैं, चिक बोलते हैं, खाली होती 12-13 प्रोसेस स्टार्ट हुई, नॉर्मल कम आप देख सकते हैं, जेट ब्लैक टेल के साथ है, जो अडर की क्वालिटी है मैं दिखाना चाहूंगा, ये आप देख सकते हैं काफी शानदार अडर है, हाइट लेंथ पीठ पुट्ठा पेल्विक बोन से, ये आप देख सकते हैं जो प्योर मुर्रा के कैरेक्टर्स हैं वो उनके इस पशुधन में हैं, 100% है जी जी, 99% वी शेप की झोटी है, गर्दन पतली जी जी, चेहरा बहुत बढ़िया छोटा चेहरा हाँ ठीक है, पुट्ठा चौड़ा बिल्कुल, हर चीज है जो ऊपर से लेके नीचे तक होती जी, और प्योर मुर्रा ब्रीड की यही हाइट होती है जी, ये हम पसंद करते हैं ज्यादा बड़ी हाइट, हाँ हाँ सही बात। तो एक और पशुधन, इसकी क्या कुछ डिटेल्स है सर? ये भी भाई जी खीस से खाली हुई है, नीचे फीमेल काफ है ठीक है, हाँ ठीक है, और 12 लीटर से स्टार्ट हुई है ये भी। तो ब्याद कौन सा है? ये सेकंड टाइमर है भाई, सेकंड टाइमर, सेकंड लैक्टेशन का पशुधन है, नीचे फीमेल काफ और खीस से खाली होते ही 12 प्लस दूध से उठी है, ये आप देख सकते हैं, सींग जरूर यहाँ पे थोड़े से खुले, बाकी पशुधन में किसी तरह की कोई कमी नहीं, एक जेड ब्लैक टेल के साथ अच्छी खासी जो अडर की क्वालिटी है वो आप सब पशुपालक भाइयों के सामने, चेहरे की सुंदरता आप देख सकते हैं, जो मासूमियत है चेहरे पे देखते ही झलकती है, तो जी सींग हल्का सा खुला जरूर बता रहे, लेकिन इसको चैंपियन सींग है जी जी, इंग्लिश सींग बोला जाता है, हाँ हाँ बिल्कुल क्वालिटी दार जी, और बहुत बढ़िया लगती है भाई। तो सर क्या कुछ उम्मीद कर सकते हैं दूध की? नॉर्मल 16-17 किलो दूध देगी, 16-17 किलो, कोई भी बहस भाई मैं जो अपने ऊपर विश्वास करके लेता है, मैं उसको ये नहीं है कि कुछ भी दिलवा दिया जी, टेडर की दिलवा दे जी, चॉई अच्छी नहीं है वो दिलवा दे, चीज पटती है वो दिलवा दे जी, इस टाइप की बहस मैं दिलवाना पसंद नहीं करता जी जी जी। कई बार क्या होता है, बहुत सारे लोग होते हैं कि दूध निकालना आता नहीं, ठीक है बिल्कुल, जिसको हम बोलते हैं पोली चुवाई है, स्मूथ मिल्किंग है बिल्कुल ठीक है, हाथ में जानी, पहलवान से भी भाई जिसको नहीं निकालना आता पहलवान भी एक दार्मिक बिल्कुल ठीक है, ये सर जोश का काम नहीं है, ये ट्रिक और टेक्निक का काम है, बिल्कुल ट्रिक और टेक्निक होती है बिल्कुल ठीक है, और दूध निकालना आता नहीं, बहुत बहुत अच्छी स्मूथ मिल्किंग है, फिर भी आगे बोल देते हैं यार इसकी तो टाइट मिल्किंग है बिल्कुल हार्ड मिल्किंग है, तो भाई वही बात है कि अ बैड मैन कॉल्स विद हिज टूल्स, बिल्कुल नाच नाच जाने आंगन आंगन टेढ़ा, नाचना तो आता नहीं भाई बता दिया आंगन टेढ़ा है बिल्कुल, वही वाले काम भाई इसमें हो जाता है जी जी जी। तो ये आप देख सकते हैं जो पशुधन है नरम चुवाई का, अच्छी और बेहतरीन किस्म का जो पशुधन है वो हमारे पशुपालक भाइयों को जो दूर दराज के क्षेत्र से आते हैं उनको उपलब्ध कराते हैं जायज से जायज रेट में। एक और पशुधन है सर, इसकी क्या कुछ डिटेल्स हैं? जायज से जायज तो ठीक है संदीप भाई, दूसरी बात ये क्वालिटी के अकॉर्डिंग रेट होता है जी जी जी, कोई जी बोल देता है ये 70-80 की, लाख की, हाँ, 5 की, 10 की, 20 की, बहस तो हम 2.5 की भी खरीदते हैं, 5 की भी खरीदते हैं, 4 की भी खरीदते हैं, क्योंकि अच्छी चीज की आशिक है, पैशन हमारा अच्छी चीज लेना बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या कुछ डिटेल्स हैं सर वो बताएं? सेकंड टाइमर भाई, फर्स्ट टाइमर ने 14-15 लीटर दूध दिया है, फर्स्ट टाइमर ने खाली कर दी लेकिन हमने वैसे ही बांधी, इसका बच्चा भी आप लोग देख सकते हैं जी, ये वाला बच्चा कौन सा है इसका? ये वाला बच्चा है, बच्चा ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, नीचे काफ मेल है फीमेल है सर? मेल काफ है, सेकंड लैक्टेशन का पशुधन आप यहाँ पे देख सकते हो, फर्स्ट लैक्टेशन में कितना 14 प्लस मिल्क जो है निकाला है और खीस से इसको अभी खाली किया गया है, इसलिए अडर में जोश यहाँ पे थोड़ा कम देखने को मिल रहा है। तो रणदीप सर क्या कुछ उम्मीद कर सकते हैं दूध वगैरह में? हेलो, इसके भाई दूध देना चाहिए 16 किलो दूध, 16 के करीबन आराम से निकालेगी, ये आप देख सकते हैं जो हाइट लेंथ है पीठ पुट्ठा है, जितना भी पशुधन अभी तक मैंने दिखाया अग्रेसिवपन किसी में नहीं है, बिल्कुल शांत और शालीन स्वभाव का पशुधन ये आप देख सकते हैं, छोटे से छोटा सींग पीठ पुट्ठा अच्छा खासा। और एक पशुधन और मैं लेके आया हूँ, इसकी क्या कुछ डिटेल्स हैं वो बताएं? बारी बरकम सर जी, फर्स्ट टाइमर, हाँ ये देखिए इसका बच्चा देखिए, ठीक है फर्स्ट लैक्टेशन का पशुधन है, बच्चा है, नाभि के नीचे सूंड आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस बात का प्रमाण के बच्चे ने कुछ ही दिन पहले, एक या दो दिन पहले ही जन्म लिया है। तो क्या कुछ डिटेल्स हैं एक बार वो बताएं सर? डिटेल भाई बहुत अच्छी मिल्किंग है, चौड़े पीठ पुट्ठे पूड़े जी झोटी है, बिल्कुल है, हाँ उम्मीद है 14 किलो दूध दे देगी, 14 किलो दूध। तो दांतों में क्या कुछ है? चार दांत है। पशुधन को नजदीक से मैं जरूर थोड़ा सा कवर करके दिखाना चाहूंगा, जो सींगों की क्वालिटी है ये आप देख सकते हैं, छोटे से छोटा सींग है, चेहरा मोरा आप देख सकते हैं, माथे में किसी तरह का टीका वगैरह नहीं, एक बार खोल के जरूर चला के दिखाएं। और जो अडर की क्वालिटी है, जो टीट स्पेसिंग है, काफी शानदार टीट स्पेसिंग के साथ जो पशुधन है फर्स्ट लैक्टेशन का, मैं आप सब पशुपालक भाइयों को दिखा रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट जींद हरियाणा प्रदेश से।
और उम्मीद 14 से 15 लीटर सर। हाँ 14 से 15 जी। आगे दोस्तों ये 12-13 लीटर। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए वीडियो के माध्यम से एक बात मैं जरूर बताना चाहूंगा, जैसा डालेंगे वैसा हम दूध निकालेंगे। साथ में भाई क्वालिटी का होना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत सारे लोगों के मेरे पास फोन कॉल आते हैं जी, हमारी भैंस को 20 दिन हो गए बच्चा दिए हुए, ठीक है 3 किलो दूध दे रही है जी, तो रणदीप मलिक से थोड़ी लेके गए हो? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अपनी ब्रीड रखी होगी वहाँ की, बिल्कुल लोकल। सही बात है। तो उनसे बातचीत करो जिनसे लेके गए हो। बिल्कुल, जो सिलेक्शन है महंगा तो एक बार इंसान हार्ट टाइट करके लेके अच्छी चीज को लेके परख के ले जाए, कोई दिक्कत नहीं है। जी जी, वही बात किसी ने बोली है कि सस्ता लेके रोए बार बार, महंगा ले एक बार। करेक्ट। तो ये आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से आज काफी सारी कहावतें इंग्लिश और हिंदी में दोनों में सर ने काफी सारी बताई हैं, जो हमारे बड़े बुजुर्ग भी अक्सर कहा करते थे, और उसी की तर्ज पे जो सिलेक्शन है वो काफी सराहनीय है यहाँ पे। तो एक और पशुधन, इसकी क्या कुछ डिटेल्स हैं सर वो बताएं। सेकंड टाइमर भाई। सेकंड टाइमर, ठीक है। थर्ड टाइमर की है। जी करेक्ट। लेकिन है सेकंड टाइमर। हाँ, क्योंकि ये फर्स्ट टाइमर ही मतलब 4-4.5 साल की होगी, बच्चा दिया था इसने। जी सेकंड लैक्टेशन का पशुधन है, देख सकते हैं आप हाइट लेंथ पीठ पुट्ठा काफी अच्छा खासा बच्चा देने में अभी है। तो 15 दिन के करीबन जो है बच्चा देने में अभी समय, बाकी जो खड़ा होने का तौर तरीका जो रोब है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। काफी शानदार पशुधन सर के डेयरी फार्म से। 15 दिन में जो अर्डर की क्वालिटी है मैं एक बार दिखाना चाहूंगा, ये आप देख सकते हैं। आने वाले 15 दिनों में अच्छा खासा अर्डर और यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो सर पहले ब्यात में क्या कुछ दूध इसने निकाला था? 15-16 किलो। तो क्या कुछ उम्मीद कर सकते हैं सेकंड लैक्टेशन में? भाई बच्चा देने के बाद, ठंड पकड़ने के बाद तभी पता चलेगा। बिल्कुल पावर है, पावर बिल्कुल है, जी जी है, जी। लेकिन किसान भाई ने ज्यादा सेवा नहीं रखी। अच्छा हाँ। देसी खुट्टे से अगर इसका बहुत अच्छा शरीर बना रखा होता तो बहुत अच्छी जोखी होता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आप देख सकते हैं जो केयर और मेंटेनेंस है उस पर काफी कुछ डिपेंड करता है एक पशुधन और थर्ड लैक्टेशन का। तो सर क्या कुछ कितने दिन की ब्याई है या? ये हो गई होगी 15 से 20 दिन की। अच्छा ठीक है। देखिए बिना बच्चे का पशुधन है थर्ड लैक्टेशन, और 15 से 16 लीटर जो दूध है वो मौके पे तैयार बता रहे हैं। बाकी पशुधन को अगर मैं नजदीक से कवर करके दिखाना चाहूँ, हाइट लेंथ पीठ पुट्ठा आप यहाँ पे देख सकते हैं काफी शानदार, और जो अग्रेसिवपन है वो बिल्कुल नहीं पशुधन में, ये आप देख सकते हैं। शांत स्वभाव है, जो सींग है लेट की भी बिल्कुल जायज है भाई। बिल्कुल। क्या कुछ रेट है सर? 1,15,000 रुपए में 15 से 16 लीटर दूध का जो पशुधन है वो पशुपालक भाइयों के सामने वीडियो के माध्यम से। लास्ट के 3 पशुधन और बचे हैं, इनको और मैं एक बार कंफर्म करना चाहूंगा। सर बताएं डिटेल्स बताएं। जी इसमें अभी 15 किलो दूध तैयार है। 15 किलो दूध तैयार है, ठीक है ठीक है। हाँ, और इसका रेट भाई जी 1,28,000 रुपए। 1,28,000 रुपए। लैक्टेशन कौन सी है? थर्ड लैक्टेशन का पशुधन है। 1,28,000 रुपए कोस्ट रखी है। हाइट लेंथ पीठ पुट्ठा मैं दिखाना चाहूंगा, ये आप देख सकते हैं। जो अडर की क्वालिटी है, जो टिट स्पेसिंग है काफी अच्छे खासे टिट स्पेसिंग, और नरम और फोली चुआई का पशुधन बता रहे हैं। तो सर दो और बचे, एक बार इनका और मैं कंफर्म करना चाहूंगा। ये फर्स्ट टाइमर है भाई। फर्स्ट टाइमर, ठीक है। तो दूध वगैरह क्या कुछ है? 11-12 किलो दूध है भाई। 11 से 12 किलो दूध जी। दो दांत, ठीक है। नीचे मेल काफ है, ठीक है। दूध देगी 14-15 किलो। ये बिल्कुल बड़ी बनकम भैंस नहीं निकालती, लेकिन ये 14-15 किलो दूध देगी। इसकी जो पश्मी है जी, क्वालिटी जी जी, जो नस्ल है बिल्कुल अडर की क्वालिटी आप यहाँ पे देख सकते हैं। छोटे से छोटा सींग, शानदार चेहरा मोरा आप यहाँ पे देख सकते हैं, और फेस वैल्यू काफी मैटर करती है पशुधन की। फेस वैल्यू भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। बुजुर्ग बोलते थे ना जी कि हाँ भाई है कि चाहे मतलब बेलवे में कटोरी में पानी पिला लो। बिल्कुल बिल्कुल, तो उसी हिसाब से है भाई जी। तो अभी कितना दूध है सर मौके पे तैयार? अभी 11 किलो दूध है। 11 किलो दूध तैयार है। तो क्या कुछ रेट है इसका, एक बार थोड़ा सा आइडिया? आइडिया नहीं भाई, आपको पता है पूरे इंडिया में अपना एक डेयरी फार्म है जी, फिक्स रेट का है। ठीक है ठीक है। हाँ, इसके भाई जी 1,38,000 रुपए। 1,38,000 रुपए, ये आप देख सकते हैं। 1,38,000 रुपए दांतों में दो, फर्स्ट लैक्टेशन का पशुधन। इसके अलावा एक और है सर, उसकी क्या कुछ डिटेल्स हैं? फर्स्ट टाइमर है भाई ये। फर्स्ट टाइमर, ठीक है। 12 किलो दूध मौके पे तैयार है। हाँ, तो जी इसके एक थन पे, आगे वाले थन पे हाँ हल्का सा ये चिक लग गया था। बिल्कुल बिल्कुल जी जी। ठंड पड़ जाए हाँ,
लेकिन अभी बिल्कुल ओके है, किसी तरीके का कोई खून नहीं। पशुधन को अगर मैं कवर करके दिखाना चाहूँ, फर्स्ट लैक्टेशन का पशुधन है ये, आप देख सकते हैं काफी शानदार टिट स्पेसिंग है यहाँ पे, और चेहरा मोरा काफी शांत स्वभाव, 11 लीटर दूध मौके पे तैयार बता रहे हैं जी। तो जो फीचर्स हैं मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जो विशेषताएं हैं, जो इम्पोर्टेंस है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, शानदार टिट स्पेसिंग, और जो वेन्स हैं वो अंडर में साफ साफ यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, ये आप देख सकते हैं। तो एक और बात होती है जी, जैसे बहुत सारी भैंस होती है भाई, हाँ ये देखो ये थनों पे नहीं है, ठीक है, बहुत सारी नहीं होती जी, किसी भैंस का स्वभाव हो जाता है थनों से, मतलब डेवलप होनी स्टार्ट होती है, बिल्कुल ये थनों से डेवलप होती है, ठीक है, ये वाली भैंस, ठीक है। बहुत सारे भाई बोलते हैं दूध रुका हुआ था, हाँ हाँ, ये पुणे से भाई आए हैं जी, इस्लामाबाद से, इनसे भी बात करना, इन्होंने कितनी टाइम मिल्किंग की, कैसे क्या लिया, क्या किया, किससे जी, ठीक है। तो बोलने को वीडियो में कमेंट डाल देते हैं, हाँ हाँ, तो दूध रुका हुआ था जी, सुबह आ जाओ, हाँ ग्राहक सुबह हमारे पास 8-9 बजे से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, जैसे सुबह 8-9 बजे आ गया, हाँ वो बोलते हैं ऑर्डर कम है, हाँ हाँ, शाम को आ गया, शाम को जैसे आ गया, शाम को बोलेगा ये थनों पे उतरी हुई है, तो व्यापारी की तो हर बात में मर होती है, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, शाम को जोश नहीं किया, फिर कहता जी इसने जोश नहीं बढ़ाया, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो भाई यहाँ जो दूध बनाया जाएगा उससे 1-1.5-2 लीटर फल तो मिलेगा, कम नहीं मिलेगा जी। तो ये आप देख सकते हैं काफी सच्ची और खरी बातें पशुपालक भाइयों को बताई हैं वीडियो के माध्यम से। कुछ बायर्स हैं जो महाराष्ट्र से आए हुए हैं यहाँ पे, उनसे मैं मिलवाना चाहूंगा, और एक लोट 9 से 10 पशुधन का जो लोट है वो रणदीप मलिक सर के डेयरी फार्म से जा रहा है महाराष्ट्र, तो मैं मिलवाना चाहूंगा, एक एक पशुधन की डिटेल्स जानेंगे उनसे भी। तो नमस्कार सर, कैसे हो आप? नमस्कार भाई, कैसे हो आप? राम राम, ठीक है भाई। तो कितने पशुधन लिए हैं आपने? 9 भैंस लिए हैं भैया। 9 भैंसे लिए हैं, पहले भी कभी विजिट किए हैं? हाँ भैया, पहले भी, इधर नहीं, हरियाणा से भैंस ले गए। अच्छा, तो रणदीप सर के डेयरी फार्म से पहली बार पशुधन? हाँ, जा रहे, पहली बार ले रहे हैं जी, ऐसे ही मुलाकात हो गई थी, हाँ हाँ, तो इस बार लेने को आए गए जी, तो इनके से जब मैं भैंस लिया हूँ, हाँ, तो मेरा अनुभव जो है, हाँ, वो बहुत अच्छा है जी। ये भैंस गांव में जाके दिलाते हैं, ठीक है, अच्छे दिलाते हैं, हमारे सामने सौदा करते हैं, कोई पीठ पीछे बात नहीं करते, एकदम साफ सुथरा पशुधन दिखाते हैं, ठीक है, जो पशुधन दिखाते हैं, हाँ, उसका क्वालिटी अलग रहता है, उसका क्वालिटी अलग, हाँ, लोग बोलते हैं कि रेट ज्यादा है, अरे रेट ज्यादा है, क्वालिटी लेगा तो रेट भी मिलेगा, बिल्कुल बिल्कुल, क्वालिटी लेगा और रेट भी कम होगा, ऐसा तो नहीं होगा जी जी, और रेट भी इतना भैंस के हिसाब से ही लगता है ना, आपको भैंस भी 20 लीटर की चाहिए जी, तो रेट भी देना पड़ेगा, बिल्कुल। अभी जो हमने भैया 1 नंबर की भैंस लिया है, हाँ हाँ, ये भैंस में मैंने खुद इसका धार निकाल के देख लिया हूँ, 20+ की भैंस है, 20+ की, हाँ, है, ठीक है, जो भैंस है ये 7-7 लीटर एक टाइम का देती है, 14 लीटर की है, ठीक है, अभी ये बढ़ेगी जी, जाने का है जी, ये जो भैंस है ये इसको 2 बार चुवाई करके देखा है, ठीक है, लिया है, हाँ, हमारे सामने सौदा बना है, ठीक है, और ये भैंस 19+ मौके पे तैयार है जी, जी, अभी आज मेले से लगना चालू, जो इस बात का प्रमाण मेले से जो पशुधन है वो लग चुका है इनका। और तो सर शुभ नाम बताएं एक बार, क्या कुछ? राहुल कक्ते नाम है, राहुल कक्ते, महाराष्ट्र में उस्मानाबाद से जी। तो क्या डेयरी फार्म चलाते हैं या डेयरी फार्म चलाते? 1 साल से, ठीक है, हरियाणा से अब तक 20, तो 1 साल से आप काम कर रहे हैं, 20 भैंस लेके गए, ठीक है, ठीक है, अभी ये जो लॉट है हमारा तीसरा लॉट 30 भैंस हो जाएगा, ठीक है। तो ये भैंस जो है हम ये भी गांव से लिया है, पूरा हमारे सामने इसका सौदा हुआ है, ठीक है, जब हम 2 दिन पहले इसको लिया था जी, तो इसके बच्चे 2 दिन का बच्चा था, अभी 4 दिन ब्याह के हुआ है, ठीक है, इसको मौके पे 17 लीटर दूध तैयार है, तो ये पूरा हमारे को आशा है इससे कि ये कम से कम जी दे देगी, तो 22 लीटर दे जी, बिल्कुल, और 17 लीटर दूध भी तो कम नहीं होता भैया, बिल्कुल में, सही बात, दो तो भैंस 20+ की है जी, इसमें जो 9 भैंस है इसमें से कम 3-4 भैंस तो 20+ की है, ठीक है। लोग कहते हैं कि 20 लीटर दूध नहीं निकलता, यूट्यूब वाले झूठ बोलते हैं, ये बोलते हैं, लेकिन भैया मैं खुद अपनी आंखों से देखा हूँ, पैसा लगाया हूँ और 20 लीटर का भैंस लिया हूँ, लिए, हाँ, ये क्या है, जो तुम लोग है वही तो देखेंगे ना, बिल्कुल, तुम अगर जो तुम्हारी डिमांड है उसी के हिसाब से वो भैंस लगाएंगे, तुम पैसा नहीं लगाएंगे तो वो भैंस कैसे अच्छी दे पाएंगे तुम? तो ये आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से, जो दूसरे राज्य से जो पशुपालक भाई आए हैं, साफ और सटीक जानकारी, कुछ हमारे पशुपालक भाई हैं बोल देते हैं हरियाणा में 20+ की भैंस नहीं, लेकिन खुद बता रहे हैं
17 18 20 किलो तक की जो चुवाई है इन्होंने पर्सनली अपने तो अपने जो व्यक्तिगत तौर पे उसको करके सेलेक्ट किया है रणदीप सर ने। भाई, जी रणदीप भाई हमारे बहुत सारे रिकॉर्ड्स रहे हैं जी गाँव में भी, ठीक है, ऐसा नहीं है हमने 20 साल पहले 25 साल पहले ठीक है मान के चलो 1 लाख रुपए की भैंस बेची थी बिल्कुल, ठीक है उस टाइम पे मोल भाव होते थे 10,000 5,000 15,000 20,000 जी 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 रेट ही नहीं कर पाते थे लोग, तो ये मान के चलो हमारा मतलब ये मान के पेरेंटल वर्क है सभी एजुकेटेड, ये मान के चलो भाई हमने मान के चलो मैंने वैसे MBA फाइनेंस की हुई है जी, लेकिन पैसों में PhD हूँ मैं बिल्कुल बिल्कुल हाँ, सही बात, ठीक है ये नजर होता है ठीक है और क्वालिटी के ऊपर ही मतलब ध्यान जाता है सीधा, ऐसा नहीं है एक मिनट में देख के ये बता दे क्या चीज है क्या नहीं है। देखिए इंग्लिश में दो लाइनें होती हैं, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, के प्रैक्टिस अगर हम किसी भी चीज में करते रहेंगे तो जो अनुभव है वो हमें आता रहेगा, ज्ञान बढ़ता रहेगा। सेम चीज पशुपालन के क्षेत्र में रणदीप सर ने कमाई है, भले ही पढ़े लिखे इंसान हैं लेकिन जो पशुधन का जो क्षेत्र है जो व्यापार है उसमें जो परख इनको है वो अच्छे अच्छों को मात देती है। एक और दूसरे राज्य से हमारे जो बायर हैं मेहमान के राज्य से आए हैं उस्मानाबाद, अच्छा उस्मानाबाद ठीक है, शुभ नाम बताएं सर क्या कुछ है अपना, सद्दाम हुसैन मुनीर, सद्दाम हुसैन ठीक है के रहने वाले हैं ठीक है, और अभी जो रणदीप मलिक से माल लिया है वो माल की क्वालिटी हमको देखने ही नहीं मिली अभी तक जी, बहुत बढ़िया माल है वो बताते कुछ है और उनसे भी और अलग क्वालिटी का माल देखने में मिला है ठीक है, बहुत बढ़िया माल है एक से एक जोटी है तुम देख लो इधर जी, के वो बताते थे 8 लीटर या 9 लीटर की चॉइस पे मगर वो बढ़ के दूध निकलेगा उनको, तो मतलब सर खुश हो आप जो भी दूध वगैरह जो पशुधन आपको रणदीप सर ने दिलाया जो दिया है खुश हो, हाँ पूर्ण रूप से संतुष्ट हो, चाहे दूध क्या भी निकले दो मगर क्वालिटी वाला माल है उसको आगे भी हम बेचने के लिए निकालेंगे ठीक है, उसका पैसा लगेगा हमको ठीक है, इस बात की खुशी है। तो ये आप देख सकते हैं जो बायर्स हैं खुश हैं। चलिए सर बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को, मैं तो आपसे यही गुजारिश करूंगा कि हरियाणा प्रदेश में समय समय पे आप लोग आते रहें, ऐसे ही पशुधन लेके जाते रहें जिससे न सिर्फ आपका बल्कि हमारे जो मुर्रा का जो व्यापार है जो पशुधन है हरियाणा प्रदेश का उसका नाम ऐसे ही चमकता रहे। रणदीप भाई क्या बार बार आएंगे और ऐसे ही हम भी आशा करते हैं रणदीप भाई हमारे को ऐसे ही जी जी, ये आप देख सकते हैं अच्छा खासा प्यार प्रेम। और तो ये वीडियो थी आज की रणदीप मलिक सर के डेयरी फार्म से डिस्ट्रिक्ट जींद हरियाणा प्रदेश, उम्मीद करूंगा आपको मेरी वीडियो जरूर पसंद आएगी, मिलते हैं फिर किसी नए पशुपालक के घर या किसी बड़े डेयरी फार्म पर, तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार धन्यवाद जय जवान जय किसान।